राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ क्लब कचौड़ी का रेसिपी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लब कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप उड़द का दाल रात को ही भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो उड़द की दाल 2 घंटे में बहुत आसानी से फूल जाते हैं और इसे मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धुल दिया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 से 6 इंच अदरक को छील के बारीक काट लिया है और 10 से 15 हरी मिर्च ले लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है मैंने और इसी में 2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को डालने के बाद इसी में 4 छोटी इलायची डाल देंगे। और 7 से 8 लौंग ले लिया है मैंने, इसको भी इसी में डाल देंगे। थोड़ी सी जावित्री डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने जायफल लिया हुआ है और 1/2 चम्मच डाल देंगे काली वाली मिर्च और थोड़ा सा डाल देंगे इसी में हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे हम दरदरा पहले पीस लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाले को दरदरा पीस लिया है और अब इसी जार में हम उड़द का दाल भी डालेंगे और इसे भी हम डालकर थोड़ा थोड़ा पीस कर तैयार करेंगे। एक बार फ्रेंड्स, आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। और दाल को डालने के बाद 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। इसी तरीके से हमें दाल को दरदरा पीसना है, इससे ज़्यादा हमें महीन नहीं करना है, आप देख सकते हैं। और इसे हम एक बड़े बर्तन में पलट देंगे और बचे हुए दाल को भी इसी में डालकर हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इसका 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ उड़द के दाल का। एक मैं क्लब कचौड़ी बनाने वाली हूँ और एक इसके पकौड़े बनाने वाली हूँ। आप हमारा दोनों रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे दाल को पीस लिया है और इसे हम खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। एक जैसा कर देंगे दाल को, मसाले में खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब मैं इसी में 1 चम्मच सब्जी वाला मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी को और भी चटपटा बनाने के लिए इसी में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर मैं आप लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मसाले को मिलाने के बाद हम इसका 2 भाग कर लेंगे। ये देखिए, दाल को हम 2 भाग में बांट लेंगे। 1/2 हम थाली में रख देंगे और 1/2 इसी बर्तन में रहने देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसका 2 नाश्ता बनाना है। और इसमें हम नमक थोड़ा सा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है, हल्का ही डालना है, अपने टेस्ट के अनुसार हल्का ही डालना है। और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब चलिए गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल सरसों का डाल दिया है और इसी में 1 छोटा चम्मच जीरे का तड़का लगा देंगे। और जैसे ही जीरा तड़कने लगे, इसी में हम पिसा हुआ दाल डाल देंगे। दाल हम कौन सा डालेंगे फ्रेंड्स, जिसमें मैंने नमक मिलाया हुआ है। और इसे डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए और दाल भी हमारा अच्छी तरह से सूख जाएगा। आज हम जो इसका क्लब कचौड़ी बनाने वाले हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको गेहूं के आटा में बनाने वाली हूं। और ये दाल भूनते समय थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकता है, इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा दाल अच्छी तरह से सूख चुका है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और अब चलिए आटा गूंथ लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है और 2 चम्मच इसी में रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं और इसमें भी हम हल्का सा नमक डाल देंगे, क्योंकि मैंने दाल में भी हल्का सा नमक डाला हुआ था और आटे में भी हल्का ही नमक डालेंगे।
और इसे डालकर खूब अच्छी तरह से पहले हम मिला देंगे। और अब आधा चम्मच इसी में मंगरेल डाल देंगे, इसे कहीं कहीं पर कलौंजी भी बोलते हैं, और इसे डालकर भी अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मुलायम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे भी मुलायम हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और एकदम से मुलायम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। टाइट आटा हमें एकदम से नहीं गूंथना है फ्रेंड्स। जितने अच्छे से हम आटे को गूंथ कर तैयार करेंगे उतना ही अच्छा हमारा क्लब कचौड़ी बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एकदम से मुलायम आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। और इसे सिर्फ 5 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं ढककर रखना है, सिर्फ हम 5 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे। और 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आटा हमारा सेट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने जो उड़द का दाल अलग से निकाल के रखा हुआ था उसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती और नमक स्वाद अनुसार डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स मैंने नमक डालते हुए वीडियो तो बनाया था, शायद हमारा वीडियो कहीं से कट गया है, मैं इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप नमक ज़रूर से डालिएगा स्वाद के अनुसार। और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे और इसी तरीके से गीला गीला रखेंगे। और अब हम चलिए इसके पकौड़े बना लेते हैं। तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था और तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और इसी में हम इसी तरीके से छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमें फ्रेंड्स इसे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। और एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे पलट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पलट दिया है और खूब अच्छी तरह से क्रंची होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। इस पकौड़े को आप धनिया की चटनी या फिर किसी भी अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स हमारे तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इसे मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। ये देखिए ये कितने मुलायम और सॉफ्ट बने हुए हैं, अंदर से बहुत ही मुलायम और बाहर से एकदम से क्रंची बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने धनिया, अमचूर, हरी मिर्च और लहसुन डालकर पीस लिया था और ये चटनी इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर से करिएगा। और इसी तरीके से बाकी के भी पकौड़े हम डालकर तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब चलिए हम क्लब कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कचौड़ी वाला दाल भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसमें भी हम थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसे मिलाने के बाद चलिए हम क्लब कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे और बीच में इस तरीके से गोला गोला करेंगे और 1 चम्मच उड़द दाल की स्टफिंग हम इसमें भरेंगे। भरने के बाद चारों तरफ से इसे पैक कर देंगे और पैक करने के बाद हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और इसे अपने हल्के हल्के हाथों से बेलकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हमें इसे नहीं बेलना है, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। और दोनों साइड कचौड़ी को उलट पलट कर अपने हल्के हल्के हाथों से बेलकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने कचौड़ी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है बेलकर और तेल में डालकर इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप आटे को मुलायम गूंथ कर तैयार करेंगे फ्रेंड्स उतनी ही अच्छी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार होगी और हर कचौड़ी फूली फूली बनकर तैयार होगी। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। और इसे हम उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी के भी कचौड़ी तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे फ्रेंड्स।
और जब ये कचौड़ी एक साइड से फ्राई हो जाएगा तभी हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड इसी तरीके से उलट पलट कर खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी कचौड़ी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। और इसी तरीके से बाकी के भी कचौड़ी हम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। और आप चाहें तो इसके पराठे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कचौड़ी तो हम छोटा छोटा बनाते हैं लेकिन पराठे को थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसी तरीके से, और तवे पर डालकर उलट पलट कर तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो तेल की जगह पर घी भी लगाकर सेक सकते हैं, घी से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और इस पराठे को भी हम हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से सेक कर तैयार करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे नहीं सेकना है, गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। और दोनों साइड इसी तरीके से हम इसे तेल लगाकर उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये पराठे भी खूब अच्छी तरह से फूल फूल कर तैयार होते हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये खूब अच्छी तरह से फूल गया है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे बनाकर तेल में डालकर कचौड़ी बना लीजिए, या फिर तवे पर डालकर इस तरीके से पराठे के जैसा बड़ा बड़ा बेल कर तैयार कर लीजिए और पराठे के जैसा सेक कर तैयार कर लीजिए इसी तरीके से। इसे आप कोई भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे सूखी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा कचौड़ी बनकर तैयार हो चुका है। एक बार फ्रेंड्स आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये क्लब कचौड़ी ज़रूर से बनाकर खाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।